यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए भाजपा की पूरी टीम मैदान में उतरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता सभाएं कर रहे हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में जुबान फिसलने की वजह से बीजेपी को खूब ट्रोल किया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक सभा में अमित शाह ने कहा था कि अगर भाजपा सरकार आएगी तो 12वीं पास करने के बाद इंटर में दाखिला लेने वाले छात्रों को लैपटॉप मिलेगा। गृह मंत्री के इस बयान को लेकर बीजेपी की खूब किरकिरी हुई। इस बीच एक बार फिर अमित शाह की जुबान फिसल गई है। मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में सुनाई दे रहा है कि भाषण के दौरान अमित शाह कहते हैं, मोदी जी 24 घंटा सोते हैं ताकि देश के गरीबों का कल्याण हो। अमित शाह के इस वीडियो पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तंज कस रहे हैं। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने वीडियो शेयर कर तंज करते हुए लिखा कि मोदी जी 24 घंटे सोते हैं। सोनू कुमार नाम की यूजर ने लिखा कि सही बात है सर, इसी कारण तो देश का ये हाल हुआ है। भारत पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है गरीबी और भुखमरी में जीने का। मनोज कुमार शुक्ला नाम की यूजर ने लिखा है कि जब भारत 12 के बाद इंटर हो सकता है भारत में, तो 24 घंटे सोकर 18 घंटे काम क्यों नहीं हो सकता है। यह नया भारत है जहां बलात्कारियों को सुरक्षा, हत्यारों को जमानत मिलती है। सुषमा नाम की एक यूजर ने लिखा है कि लगता है इन्होंने कभी हिमालय वाले बाबा का ईमेल नहीं आ रहा है जो सारी स्क्रिप्ट में गड़बड़ी कर रहा है। एएसएफ खान नाम की यूजर ने लिखा कि अच्छा हुआ भाजपा वाला स्कीम बता दिया, वरना विकास करने में के चक्कर में ना जाने इनको कितना काम करना पड़ेगा। अब जब 24 घंटे सोने से ही गरीबों का विकास हो जाएगा तो यही सबसे आसान तरीका है। अमित शाह के इस बयान पर क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।